हे गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्निकल के यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ब्रिक सिस्टम के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, काफी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओ बालस अ ब्रीजा सुबियो पा मेच गाहाफा कायो नु शावी ओ शो तो मे नो दु पे ओ ओ बालस अ ब्रीजा सुबियो पा मेच गाहाफा कायो नु। हे गाइस, वेलकम बैक टू द टेक्निकल के यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं जो ब्रिक सिस्टम आ रहा है ना उसके बारे में, और काफी लोगों का क्वेश्चन आ रहा है यार तू एडवांस सर्वर में कैसे घुसा, ठीक है ना। और तो मैं ब्रिक सिस्टम पहले बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स पे अपलोड हो चुके हैं, उसके बाद मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ। अगर आपको अभी भी कॉपीराइट लगता है देना है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो को रिमूव कर दिया जाएगा। और क्या बोलूँ, विदाउट रीज़न कॉपीराइट पड़ते हैं तो अब यही बोलना पड़ेगा हर वीडियो में कि अगर आपको वीडियो गलत लगती है तो प्लीज़ यार बता देना, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, बिकॉज मेरे को चैनल अपना सेफ चाहिए, ठीक है ना। तो अब मैं बताता हूँ एडवांस सर्वर में मैं एंटर कैसे करा। तो क्योंकि इंडिया के अंदर सिर्फ यू मान के चलो मैं ही अकेला यूट्यूबर आई गैस कि जो एडवांस सर्वर के अंदर एंटर कर पाया है, ये नहीं कह रहा कि और कोई नहीं कर पाया, मेरे ख्याल से आई गैस, क्योंकि मैंने एक दो यूट्यूबर्स की बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखी तो वो मेरे को टारगेट करके बोल रहे थे कि इलीगल वैसे सर्वर में एंटर कर दिया, हम भी कर सकते थे, ये कर दिया वो कर दिया। तो गाइस, ये सर्वर सबके लिए ओपन था क्योंकि इस सर्वर के अंदर नॉट ओनली इंडोनेशियन यूट्यूबर्स नहीं, इंडोनेशियन जर्नल बंदे वो नहीं, ब्राज़ील के, वियतनाम के और जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ के, रशिया के, वहाँ सबका बंदा इसके अंदर है। तो इसका मतलब मैं अब क्या समझूँ कि सिर्फ इंडिया को स्पेसिफाई किया जा रहा है कि सिर्फ इंडिया का बंदा नहीं घुस सकता, बाकी देश का घुस सकता है, चलो कोई बात नहीं। और मैं इसको मैंने एंटर कैसे करा, मैंने बहुत बड़ा हैक करा गाइस, मतलब कि 2019 का हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक करके मैंने इसमें एंट्री करी है। हैक बताओ क्या कैसे करा मैंने, इनका एडवांस डॉट फ्री फायर कुछ करके एक लिंक था, मैंने उस पर क्लिक करा, वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा, मैंने उसको डाउनलोड करा 500 MB का एप्लीकेशन हो गया डाउनलोड, मैंने उसको इंस्टॉल करा अपने फ़ोन में, हो गया मैंने फ़ोन में इंस्टॉल, तो वहाँ लिखा रहा लॉग इन विद फेसबुक। मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं कहाँ पढ़ा, फिर मैंने गूगल पर सर्च करा ये फेसबुक क्या होता है, तो फिर मेरे को दिखा कि फेसबुक तो यार एक ऐसा है चीज़ है जिसमें हम अपना फ़ोन नंबर डाल के अकाउंट बना सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से एक फेसबुक अकाउंट बनाया, ठीक है ना, अपने दूसरे नंबर पे, और उस फेसबुक अकाउंट को मैंने उसमें डाला और मेरा अकाउंट खुल गया गाइस। मैं तब से हैरान हूँ कि भाई इतना बड़ा हैक मैंने कैसे कर दिया। मैं तब से कल से मैंने एक वीडियो देखी एक, तो मैं तब से सिर घुमा पड़ा भाई इतना बड़ा हैक मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो पूरा यूनिवर्सल हैकर बन गया। मेरे को तो ये लग रहा है कि मेरे घर के बाहर पुलिस आने वाली है और मेरे को गूगल की तरफ से ऑफर आने वाले हैं कि भाई तूने इतना बड़ा हैक करा है तो प्लीज़ हमारे गूगल में ज्वाइन कर दे, हमारी सिक्योरिटी सिस्टम टेस्ट कर दियो, ठीक है ना भाई। मतलब कुछ भी यार, तुम नहीं एंटर कर पाए तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो कि बाकी सारे यूट्यूबर्स से तुम बोलो कि भाई तुम इलीगल वैसे एंटर करो, हद हो गई मतलब, ठीक है ना, गलत चीज़ है ये, जो चीज़ गलत है यार वो गलत है, ठीक है ना। अब बोले कि तू वीडियो के अंदर एडवांस सर्वर में लीक्स दे दिया, जो चीज़ आ रही है यार, तीन चैनल दूंगा भाई, तीन चैनल इंडिया के भी ले ले चाहे बाहर के ले ले, इंडिया के तो मैं नाम नहीं लूँगा फिर लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। तीन चैनल दूंगा, रैंडी रेंजर, चक टीवी है एक, और एक था कुलगर करके, ठीक है ना। इन तीन चैनल की एक कोई भी एक वीडियो देख लो 12 मिनट की, सब वीडियो के अंदर उनकी सब अपडेट जितना भी है, ये नहीं कह रहा कि जो मैंने एक्स्ट्रा चीज़ दिखाई, इन्होंने सब चीज़ दिखाई है, ठीक है ना, एक एक सिंगल चीज़ इन लोगों ने दिखाई है, हम दिखाएं तो गलत है, वाह भाई वाह। फिर ये कहते हैं कि इंडियन यूट्यूबर के पास इतनी पावर नहीं है, पावर देते हैं वो, तुमको यूज़ करना नहीं आता, मैंने डाली, तुम मेरे को बोलो भाई तूने डाली है, तू हमको दे दे अकाउंट, बात करो कि मैं ना तुम्हें नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, मैं इतना एटीट्यूड वाला बंदे नहीं हूँ भाई, मैं हर किसी से कॉमन से बात करता हूँ, कभी डिस्कॉर्ड पे आना मैं बैठाऊंगा किसी के साथ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है भाई, मैं हर बंदे से प्यार से बात करता हूँ, मैं किसी को नहीं दिखाता, मेरे सब्सक्राइबर है, तुम लोग दिखाते होगे बेशक से, ठीक है ना भाई। तो अगर तुमको लग रहा है कि तुम एंटर नहीं कर पाए, चलो कोई बात नहीं यार, भाईचारा भी हो, कोई नाम की चीज़ होती है ना, कॉपीराइट देने से कुछ नहीं होगा, कॉपीराइट दे दिया क्या होगा, मेरी वीडियो डिलीट होगी, मेरे चैनल की ग्रोथ रुक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा तुम्हारा और हमारा, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो पता क्या हुआ, तुमको लग रहा है यार तुमको एंटर करना है, तुम सर्वर में आ रहे हो, मैं तुमको कैसे कॉन्टैक्ट करूँ यार, मेरे को नहीं पता कि तुम्हारे पास है या नहीं है, अगर नहीं है तो तुम मेरे को बोलो भाई हमारे पास नहीं है, आप दे सकते हो, मैं डेफिनेटली दूंगा यार, क्यों नहीं दूंगा, तुम इंडियन कम्युनिटी से हो और इंडियन यूट्यूबर हो तो मैं क्यों नहीं दूंगा यार, ठीक है ना। तुम मेरे को जस्ट एक सेकंड मैसेज नहीं कर सकते, और तुम सीधा कॉपीराइट दिलवा के बोल रहे हो कि भाई इसने गलत चीज़ डाली, पूरी वीडियो 40 मिनट का वीडियो है, लाइव स्ट्रीम है, जिसमें मतलब कि पूरा ओवरऑल रिव्यू है, उसमें एक चीज़ ऐसी दिखा दो जो बाकी किसी भी इंडियन यूट्यूबर ने ना दिखाई हो,
ठीक है ना। तो गलत चीज़ है यार जो गलत है, मैं ये नहीं कह रहा कि यार मैं ही हमेशा गलत होता हूँ या फिर आप ही हमेशा गलत होते हो, मैं ये कह रहा हूँ प्लीज़ आप इस वे में बात कर रहे हो कि इंडियन कम्युनिटी के यूट्यूबर्स को ही लॉस होएगा, ठीक है ना, हमको लॉस नहीं होगा। आपके पास मेरे पास आया तो मैं आपको शेयर करूँगा, आप भी शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे इंडियन ग्रीना वाले कहें यार इंडियन कम्युनिटी वाले कुछ कर रहे हैं, इनके थ्रू हमारे जनरेट हो रहा है न्यू ऑडियंस, ठीक है ना। तो वो अपने आप हमको पहले ही एडवांस दे, हमको हमारे लिए एडवांस सर क्यों नहीं बनाया भाई, वो देखते हैं कि ये तो अपने खुद में लड़ रहे होते हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे के लिंक शेयर कर रहे होते हैं, भाई इसने डाल दिया ये लो सर, ये सर जी ये ऐसे ऐसे वीडियो डाल रहे हैं बंदा, इसके वीडियो पे चलो हम करते हैं चैनल डिलीट इसका, ये डाल रहे हैं। ये कौन करता है भाई, तू उसको बोल कि भाई मैंने आपकी वीडियो को, बोलता क्यों तू भाई, तू वीडियो उठा के यूज़ कर उसकी, मेरी वीडियो है ना यूज़ करो भाई, मैं कुछ नहीं कहूँगा भाई, इंडियन कम्युनिटी हो तुम, इंडियन हो मैं इंडियन हूँ, हम सब इंडियन है भाई, यूज़ करेंगे भाई, हम तो सब यूज़ करेंगे, क्या भाई कुछ भी मतलब फ्री की लड़ाई करने वाली बात करते हो अब, ठीक है ना। तो भाई यार मेरे को सच में दिल से ना कल से इतना बुरा लग रहा है, जिस बंदे ने वीडियो डाली मेरे को 1% उम्मीद नहीं थी, वो बंदा पहले भी एक वीडियो डाला था तब भी मेरे पे कॉपीराइट आया था, ठीक है ना, और एक बंदा तो वो तो हर टाइम डालता ही डालता, उसके बारे में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो भाई इस बंदे का मेरे को इतना बुरा लग रहा है कि भाई ये बंदा भी डाल सकता था, वो बंदा मेरे को पहले भी बोला, अब मैं नाम नहीं लेना पाऊंगा क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट करी उसके अंदर वीडियो का लिंक आया, तो मैं वीडियो को खोल के देखा तो इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला बंदा और ऐसी बच्चों वाली बात कर रहा, तो बहुत हर्ट हुआ सच में यार, ठीक है ना। तो यार मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा मोटिव ये है कि गेम को प्रमोट करना, और मैंने यही करा कल की लाइव स्ट्रीम में, यही करा। तो एडवांस सर्वर में मैंने कुछ नहीं गलत डाला, कोई चीज़ गलत नहीं डाला, तो मैंने एक दो बंदे से बात करी जो फ्री फायर के ऑफिशियल्स टाइप मान के चलो, तो उन्होंने मेरे को खुद बोला, कहती आई थिंक दिस इज़ बाय मिस्टेक, ठीक है ना, ये मिस्टेक से हुआ है, आपकी कोई गलती नहीं है, वी विल फिक्स सून टाइप करके, इस टाइप का मैसेज था। तो मैं समझ गया यार ये किसी की रंजिश है करके, ठीक है ना। तो प्लीज़ यार ऐसा ना करो यार, अगर आपको लगता है वीडियो गलत है तो आप जस्ट एक बार मैसेज करो कि यार वीडियो गलत है, अगर गलत होगी तो मैं खुद रिमूव कर दूंगा, मैं डालूंगा ही नहीं यार, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता क्या चीज़ डालनी है कि क्या चीज़ नहीं डालनी, ठीक है ना। तो ये तब से तो भाई मेरा माँ कसम सिर घुमा पड़े, यूट्यूब से विश्वास उठ गया, और यूट्यूब पे कुछ इतने अच्छे यूट्यूबर्स थे यार, उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो गई दिल में, माँ कसम सच में यार। मैं इवन ना कई लोगों की वीडियो मतलब यूट्यूब पे मैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन बड़ा यूट्यूबर है कौन छोटा, मैं सबका जिसका भी वीडियो दिखा मैं खोलता हूँ, लाइक मारता हूँ, 5 मिनट देखता हूँ चला जाता हूँ, ठीक है ना। कमेंट कभी नहीं करा मैं, कमेंट कभी नहीं करता बिकॉज कमेंट पे भी कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं करके, ठीक है ना। जस्ट मैं ओपन करता हूँ, लाइक मारता हूँ, थोड़ी बहुत वीडियो देखता हूँ, गेन करता हूँ यार वो क्या डाल रहे हैं वीडियो के अंदर करके, बस इतना, ठीक है ना। पर कल रात को तो भाई इन्होंने, मैंने वीडियो देखी जो मेरा तो सिर घूम गया भाई, ऐसा आई थिंक करना गलत रहा है अभी तक। अब इसके बारे में तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, तो वीडियो का टॉपिक मेन तो था ब्रिक वाला, ब्रिक को लेके ब्रिक एंड में होगी बिकॉज यार वीडियो यार सच में हर्ट हो रहा है मेरे को, और कुछ नहीं, मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैंने इतना सारा क्लैरिफाई कर दिया अपने आपको भाई कि भाई मैं कहाँ गलत हूँ, इंडिया का हर यूट्यूबर डाल के बैठे वो चीज़ और मैं डाल रहा हूँ तो गलत हो रहा है, कोई बात नहीं चलो। तो ब्रिक सिस्टम है आपको पूरा कंफर्म अब फटाक से पूछ डिटेल बताता हूँ, देखिए गाइस मेरे पास 14 ब्रिक हैं, 14 ब्रिक का आपको ब्रिक ये मोड है एक स्पेशल, ये हर जनरल कैजुअल मोड में नहीं होगा, आप ऐसी कितनी भी ब्रिक्स लगा सकते हैं जब तक आपके अंदर शक्ति है, मतलब कितनी ऊपर लेके जा सकते हैं, देखिए मैं मैक्स कर रहा हूँ, इससे ऊपर मेरे जाएगी नहीं जा रही, लग नहीं रहे, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये हुक वाला आएगा मिनी गन करके, इसको टक करके ऐसे लगाना, ये गन का यूज़ क्या है, मतलब ये गन कितनी दूर भी लग सकती है गाइस, कितनी दूर भी लग सकती है, ठीक है ना, बहुत दूर तक लग सकती है ये गन, पर सिर्फ लग सकती है ये इसी वाल के ऊपर ज़्यादा दूर तक, देखिए कितना ऊपर मैं आराम से चढ़ सका, ठीक है ना। और अब मेरे को नीचे उतरना है ना, तो नीचे उतरने के लिए मेरे को ट्रिक से उतरना पड़ेगा, यूज़ मतलब गन का परफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं उतर पाऊँगा, ठीक है ना। और एक और बात कि भाई ये गन ना सिर्फ रेंज इसकी इतनी दूर तक है सिर्फ वाल के ऊपर, अब चाहे कितनी दूर भी वाल हो ना वहाँ तक मैं इसको लगा सकता हूँ ऊंचाई पे, अगर ये पास वाल होगी तब पास भी लगेगी दूर भी लगेगी, ऐसे करके कि मतलब कि इतना ज़्यादा सिर्फ वाल की रेंज है, ये गन और वाल का डिस्टेंस कितना भी दूर हो ये दोनों वर्क करेंगे, ठीक है ना, सिंपल वर्ड्स में। अब मेरे को नीचे उतरना, मैं नीचे उतरना कैसे उतरूँ, मैं तो बस कह रहे बाबा चल, देखिए अब नीचे इतनी नीचे क्रॉस का साइन आ रहा है, मतलब मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, अब मेरे को नीचे उतरना, नीचे ये लॉन्चर भी मिला, ये नया मोड है इसके अंदर, ये मज़े वाला मोड है कि जंपिंग शूज़ मिलेंगे, ये मिलेगा, मचा है इन्जॉयमेंट के लिए, ठीक है ना।
तो मेरे को नीचे उतरने के लिए क्या किया जाए, जस्ट लाइक आई थिंक डू अ लॉन्ग जंप, और ये देखिए आप रेड मार्क है ना, इसको फटाक से क्लिक कर दिए, इस वे में मैं नीचे ही ऐसे ही उतरना पड़ेगा, अदरवाइज क्योंकि हेल्थ गया तो मैं ख़त्म ही हो जाऊँगा, ठीक है ना। अभी मैं आराम से नीचे उतर रहा हूँ, अब जैसे कि रेड मार्क आया ना मैं क्लिक कर दूंगा, ये लीजिए, थोड़ा थोड़ा करके नीचे उतर सकते हैं आराम से, और लेट मी गो दिस, हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट पहुँच गया, ये वाह देखें, और ये वाल की लिमिट है शायद से वाल गायब, ये देखिए ये आराम से नीचे एंट्री हो गई, ठीक है ना। काफ़ी इंटरेस्टिंग मोड है यार ये ब्रिक का, इस वे में यूज़ कर सकते हैं आप, इसको कितना भी ऊँचा लगा सकते हैं, 50 ब्रिक मिलती है ना स्क्वाड मोड में, सारे की सारी लगा के ऊपर चढ़ना, क्या मस्त नज़ारा मिलेगा, ठीक है ना गाइस। तो यही है वीडियो के अंदर, तो मेरा मोटिव किसी को भी हर्ट करने का नहीं था, अगर वीडियो गलत लगी हो तो बता देना भाई, रिमूव कर दूंगा अभी भी, ठीक है ना। अगर किसी को भी एडवांस सर्वर चाहिए हो, किसी यूट्यूबर को, तो मैं उसको दे सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा नहीं दूंगा, या फिर आप मेरी वीडियो भी यूज़ कर सकते हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता यार, भाईचारे में इतना चलता है, ठीक है ना। तुम ट्रीट ना करो भाई की तरह, एज यूर विश, मैं तो सबको भाई मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो आईडी पासवर्ड लेना हो तो मेल कर देना, या फिर अगर आपको मेरी वीडियो भी लेनी हो तो मेरी वीडियो भी ले सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, कमेंट मारो, शेयर मारो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, अस्तला विस्तला तंबूरा, सबको बाय।